मेघालय विधानसभा के विपक्ष के नेता रोनी वी लिंगडो ने हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य को दूसरा सबसे गरीब राज्य बताए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गरीबी को दूर करने और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति कार्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया। ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए लिंगडो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की लगभग 70 से 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां आजीविका काफ़ी हद तक कृषि और अन्य भूमि अतिरिक्त गतिविधियों पर निर्भर है। उन्होंने इन समुदायों की उद्धार के लिए सरकार से सहायक कार्यक्रम और नीतियां बनाने की आग्रह की, जबकि सड़क और बाजार जैसे बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है। To come up with programs and policies to support people engage in such activities. Okay. So, you know, like for example now, yes, we need proper roads, we need proper markets, we need proper, you know, all those infrastructure. But at the same time, side by side, we have to ensure that the, you know, the livelihood people are engaged in are supported through government programs, policies, schemes, and so on and so forth. And ensure that, you know, if those programs and policies are backed up by budgetary support, it reaches, you know, the people. It is not misused, or it is not siphoned off by, you know, other vested interests.